शर्मा जी का भावनात्मक और जोशीला सत्संग आप लोगों ने सुना है, पकड़ लो बात को, समझ लो, समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। इंसान के बस में है क्या, मैं तो समझ में नहीं आया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक बात कहना चाहता हूँ कि महापुरुषों ने पूरा बल लगा दिया हमें समझाने के लिए, बड़े बड़े वेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, गुरु साहबान ने हमें को आदि ग्रंथ दे दिया कि पढ़ो भाई, कहाँ भटके फिरते हो तुम। लेकिन फिर भी दुनिया तस से मस नहीं हुई। दुनिया जैसी है वैसी ही है, और जो आज से 100 साल पहले थी उससे भी बदतर है। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि हम क्यों भटकते फिरते हैं? हमारे अंदर एक वासना है, वासना, इच्छा। और कबीर साहब ने कहा कि हमें जन्म देने वाली ही वासना है, हमें जन्म देती है वो वासना, इच्छा है। हमारे मन में कोई अच्छा है और उसने हमें पकड़ कर रखा हुआ है। अब उस चाह को पूरा करने के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। जो देने वाला है, असल में जो देने वाला है, उसको हम भूल गए। हम भिखारियों से भिखारी बनकर मांग रहे हैं। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना, मैं करने जा रहा हूँ। हम भिखारियों से भिखारी बनकर मांग रहे हैं, वहाँ से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ। कोई गरीब आदमी ने अकबर के समय में सोचा कि अकबर के पास चलता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, सुना है बहुत दानी है, सबको देता है, वो मुझे भी कुछ दे देगा। तो वो चला गया, दरबारियों ने आज्ञा दे दी कि मैं महाराज जी से मिलना है। कैसे, रुक जा, अभी नहीं, महाराज जी अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह के दरबार में है। उसने सोचा कि ये भिखारी जो राजा है, ये तो खुद भिखारी है, ये तो अल्लाह से मांग रहा है, तो मैं इससे क्यों मांगूं, मैं भी अल्लाह से मांगूंगा। वापस चला गया। बात समझ रहे हो? वापस चला गया और वापस जाकर अपने अंदर में उसने डिमांड की। हमारा यही हाल है। हमें सभी संतों ने, सभी गुरु साहबान ने बार बार समझाया कि वो तुम्हारे कट में है, तुम्हारे सांस में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे शरीर में है, और यही मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, यही शिवद्वारा है, यही तीर्थ है, यही सब कुछ है। लेकिन क्या हमने माना? हम बहुत कृतघ्न हैं, हम वफादार नहीं हैं, हम कृतघ्न हैं, हम उनकी बात के ऊपर चलते नहीं हैं। जब चलते नहीं तो क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं पाएंगे। भिखारी बनकर इधर से उधर भटकते रहेंगे। इसीलिए ये डेरे बन गए, ये मंदिर बन गए, शिवद्वाले बन गए। क्यों बने? तुम्हारी मांग की पूर्ति करने के लिए, जबकि वो मांग की पूरी थी नहीं कर सकते। वो तुम्हारा अपना विश्वास काम करेगा, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारी अपनी लगन है, और तुम्हारा अपना इश्क है, और कुछ भी नहीं। ये मैं बहुत दर्द दिल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका तजुर्बा किया है, मैंने इसको पाया, समझा, उसकी खोज की कि ये खेल है क्या सारा। ये खेल सारा अज्ञानता का है। हमें ज्ञान नहीं को देता, सिर्फ गुरु ज्ञान देता है। इसीलिए कहा, जाके गुरु के पास बैठो
और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, तभी कहा गया। बिन गुरु ज्ञान उपजे साधो लो गुरु की सुनाई, यही कहा गया। गुरुवाणी में भी यही बार बार है, बिन गुरु कुछ नहीं मिलेगा। और आज मैं आपको एक शब्द सुना रहा हूँ दाता दयाल जी महाराज का, उन्होंने बड़े शब्द लिखे हैं जिनके बारे में मेरे दाता ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता था कि दाता तो कहते फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में तेरे मन में तेरे श्वास श्वास, लेकिन वो कहते तुम मैं ये समझा और तुम भी ये समझ लो, हमने उनके समझ लिया कि बात में क्या है, असल में क्या है, मेरी बात को गौर से सुनते जाना। पढ़ो शब्द दाता जी महाराज का, शब्द पढ़ो, न काशी न काबा न कैलाश में हूँ, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तेरे पास में हूँ। इसको विश्वास कर लो, अटल विश्वास कर लो, कहीं मत सिर झुकाओ, कहीं मत मांगते फिरो, तुम अंदर से सच्चे होकर जरा मुझसे मांग के देखो, उसके बन जाओ, तुम्हारी हर आशा पूरी होगी। क्या आशा नहीं पूरी होगी, तुम्हारा हर तरह से देखभाल भी करेगा। मैं यहाँ तक कह देता हूँ, मुझे अभी बैठे बैठे बात याद आ गई। बात क्या याद आई, मैं इंग्लैंड से वापस आया, बच्चे लेने गए हुए थे मुझे, जैसे मैं यहाँ से बाहर आया, मतलब बाहर से बाहर पैर रखा, तो मेरे बाहर खड़े मेरे एक बड़े प्रेमी हैं बच्चे दिल्ली से, जिनका नाम प्रवीण है, और साथ में व्हीलचेयर वाला लेकर खड़े हैं। मैं कहा प्रवीण आप कैसे, कहते महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे सुबह बाबा जी ने कहा प्रवीण उठ, मेरा बेटा इंग्लैंड से आ रहा है, जाके उसको रिसीव कर। मेरे पांव से मिट्टी निकल गई, उसको तो मैंने बताया भी नहीं था कि मैं आना है, इस दिन इतने को आना है। अब तुम सोचो कि अगर मैं उस महापुरुष को भूलकर कहीं और सिर झुकाता हूँ या किसी और के गुण गाता हूँ, तो मेरे जैसा कृतघ्न कौन हो सकता है। क्या कहा मैं आप लोगों की शुभ भावना से इंग्लैंड और कनाडा जा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल किसी तरह की भी चिंता नहीं है कि जहाज में सीट कौन सी मिलेगी। मैं क्या, मुझे पता है कि सब कुछ हुआ हुआ है, इंतजाम है, मेरे को क्या चिंता, जिसने हुक्म दिया जाना है। क्या कहा मैंने, मैं क्यों चिंता करूं, किस बात की चिंता करूं। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको, ए इंसान वो तेरे अपने मन में है, और मन कहाँ है ये भी बताऊंगा। पढ़ो पहले, तुम्हें पूरा बता के जाऊंगा क्या है, तुम कहाँ भटकते फिरते हो। पढ़ो, नकाशी नकाबा न कैलाश में है, किसी भी जगह मैं नहीं हूँ। काशी में जाओ, काबा में जाओ, हरिद्वार में जाओ, जाओ भाई सैर करो, कोई बात, मैं इसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि जिसका कर्म जैसा है वो वैसा भोगेगा। तुम कौन होते हो उनको ठीक करने वाले। ऐसे स्वामी जी ने कहा कि इनको सच्ची बात बताओ तो लड़ने को पड़ते हैं, क्यों बताना, नहीं बताना, जब तक कोई आकर रोए ना तब तक मत बताओ कि वो असलियत क्या है। असलियत का, सच्चाई का, हकीकत का दुनिया ग्राहक नहीं है। क्या कहा मैंने, इसलिए तो बाबा फकीर कहते थे कि अगर बदलना होता तो महात्मा बुद्ध बदल जाते, दुनिया सारी जैन मुनि बदल जाते, गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या क्या कहा वो बदल जाते, को बदला। पहले से भी खराब हो रहा है सब कुछ, और बाबा फकीर ने जहाँ तक कह दिया कि मैं सुबह उठकर रोज कहता था सच्चे पातशाह सबका भला हो, लेकिन मुझे नजर आया कि भला नहीं हुआ, सब कुछ बिगड़ता गया। देश का भला कैसे होगा, जो मर्जी करो।
सब मन के मारे हुए हैं। मन की किताब किसी ने नहीं पढ़ी। मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने मुझे यहाँ आदेश दिया, बेटा मन की किताब पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। जब इनकी किताब पढ़ने लगा, ओ पता लग गया मन तो है ही नहीं, वहाँ तो वो है। जहाँ मन नहीं है वहाँ वो है। कौन? तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पिया, जिसकी दुनिया खोज करती फिरती है, वो तुम्हारे अपने खट में है। पढ़ो, आगे पढ़ो। नकासी नकाबा न कैलाश में है, तू देखे अपने जीव में तेरे पास में है। तेरे पास में है, उन्होंने कहा ना पास में है। मैं तो ये भी कहने का साहस रखता हूँ बाबा फकीर की कृपा से, वो तुम्हारे सांस में है। क्या कहा मैंने, वो तुम्हारे सांस में है। मैं गया इंग्लैंड, वहाँ डॉक्टर हैं बड़े प्यारे, मेरे बच्चे हैं, वो बैठ जाते थे मेरे पास आकर। मैंने कहा अमित तू डॉक्टर है, तू बता पे सांस क्यों आता है, ये सांस क्यों आता है, क्या दिल से सांस निकलता है, दिल धड़कता है तो सांस आता है। शर्मा जी बात को गौर से सुनना। कहता पिताजी मैंने कभी सोचा नहीं। मैं कह मेरी बात सुन ले, यहाँ लगा है जनरेटर, जहाँ जनरेटर है यहाँ, वहाँ हर समय 24 घंटे टक 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 हो रही है। आप 6 महीने के बच्चे को या 10 महीने के बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, वहाँ धड़कन हो रही नहीं संचालित। वो जो जनरेटर वहाँ चल रहा है, उसके चलने से हमें सांस आती है। जिस दिन वो बंद हो गया, सांस बंद हो जाएगा। मेरी बात को गौर से सुनो। और वहाँ है हमारा जीवन, वहाँ है हमारी हस्ती, और उसका नाम रखा है अकाल पुरुष। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अकाल पुरुष, काल से परे, वो अकाल पुरुष यहाँ है, उसकी अंश यहाँ है, और उसी को परम तत्व कहा है ऋषियों ने, और उसी को राय सलग्रम साहब ने कहा राधा स्वामी। कबीर साहब ने उसको कहा कबीरा धारा अगम की, कबीरा धारा अगम की, सतगुरु देई लिखाए ताहे उलट, सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। क्या कहा मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। ताहे उलट, धारा आई उसको उलट दिया था, क्या बनी राधा। किसको याद कर रही है? अपने स्वामी को। वो स्वामी कौन है? शब्द। वो कहाँ, मंदिर में है, घंटी बजाने में है, जा कड़ियाल बजाने में है, ढोलक बजाने में है। तुम्हारे अंदर वो शब्द है और केवल उसको राधा सुन सकती है, ये कान नहीं सुन सकते। इसलिए उसको कहा है सुरत शब्द योग। पकड़ो मेरी बात को, आगे पढ़ो। तेरे घट के भीतर वो मालिक बसा है। कहाँ बसा है? तेरे घट के भीतर वो मालिक बसा है। वो पूरा नहीं है, वो उसकी अंश है, लेकिन अंश जब भी उसको याद करेगी तो वंश को सुनना पड़ेगा। अंश जब भी उसको पुकारेगी, जिसकी वो अंश है, उसको उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। मगर हम तो मन से बात करते हैं, हम तो बुद्धि से उसको याद करते हैं, हम तो घंटी बजाकर उसको याद करते हैं, हम तो ज्योत जलाकर उसको याद करते हैं। वो कहाँ सुनने वाला है? उसके पास वो टाइम नहीं है। वो तुम्हें अंदर से जानता है तुम क्या मांगने आए हो, वो तुम्हें पहचानता है कि तुम कहाँ खड़े हो। वो धोखा नहीं खा सकता, वो धोखा नहीं खाएगा, वो प्रेम का भूखा है। इसलिए कहा है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
प्यार नहीं कहा संतों ने, प्यार और चीज है, प्यार मतलब के लिए किया जाता है। परिवारों में प्यार है, मतलब है एक दूसरे से, क्या कहा मैंने? जब तक बापू कमाई करता है तो दादा दादा बापू बापू होती है, अगर कमाई ना करता हो बापू जाके बैठो थे हवेली, तेन नहीं समझ लगती की कह रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो? ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है, इसलिए इस दुनिया से क्या प्यार करना, किससे प्यार करोगे बताइए तू, किससे प्यार? कल परसों की बात शर्मा जी आपको बताता हूँ, परसों चौथ की तीन चार दिन हो गए, वो मेरी पोती ना एक वीडियो ले आई मेरे सामने मेरे जन्मदिन का। वो जन्मदिन में क्या दिखा है कि मेरी वाइफ केक काट कर मेरे मुंह में डाल रही है और मैं काट कर उसके मुंह में डाल रहा हूँ। मैं भावुक हो गया, मैंने कहा क्यों लाई है, ले जा परे, आप क्यों दिखाया मुझे? एक शायद दो सेकंड के लिए मैं भावुक हुआ, फिर मैंने सोचा मना मेरे आ वो तेनु की हो गया है, वो अपना काम कर गई, तेनु क्यों ख्याल आया, तू क्यों भावुक हुआ? वो फोटो देखकर वो वक्त अच्छा अच्छा था वो निकल गया, अब उसको देखकर तू रोएगा क्या, क्या पुकारेगा? नहीं, एकदम संभल गया कि गुरु साथ था, गुरु साथ था, नहीं तो उसको मैं कहते बेटे और दिखा और दिखा और दिखा, मेरी बात समझ गए? मन को पकड़ना है इसकी, इसकी कुछ ना करो, मन की राखी करो बस। असली भक्ति है क्या? मन की राखी। कहाँ जाता है ये? इसको पकड़कर नाम में दबो दो, नाम में स्नान करा दो इसका, ये ठहर जाएगा और वो तुम्हारे अंग शरीर के अंग अंग में है, तुम्हारे शरीर के अंग अंग में है, यहाँ भी हरकत हो रही है, यहाँ भी हरकत हो रही है, शरीर के अंग अंग में हरकत नहीं हो रही, यहाँ हरकत है वही वो है, जब हरकत बंद हो जाएगी वो चला जाएगा, क्या कहा शर्मा जी मैंने? इसलिए तुम्हारे घट तुम्हारे तन में भी वो है, तुम्हारे मन की इच्छा में भी वो है, अब तुम्हारा मन इच्छा क्या चाहता है, उसको पाना चाहता है कि दुनिया पाना चाहता है, इज्जत चाहता है, मान चाहता है, ये तुम फैसला करो, क्या कहा मैंने? जब उसको पा लिया फिर किस चीज़ की इच्छा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बाप मिल गया, पिता मिल गया, फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आ समझ गए? फिर प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, बस ये मान लो, धक्के खाने के बाद भी मानना ही है, पहले ही मान लो, अच्छी बात है, आगे चलो। ते घट के भीतर वह मालिक बसा है, न मंदिर न मस्जिद में न आकाश में है। फैसला कर लिया, कहाँ जाओगे? फिर एक बात और कह देता हूँ, हर इंसान का इष्ट अपना होता है, जो मेरा इष्ट वो आपका नहीं हो सकता, हर इष्ट अपना है, इसलिए गुरबाणी में लिखा है कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा, अपना प्रभ अपना, फिर तुम्हारा अंदर है ना, फिर तुम्हारा अंदर ही है ना, वो कौन सा तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे प्रेम का, वो तुम्हारे अंदर है, वो जो है वो मन का बनाया हुआ है, बात को पकड़ना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो आपने जिसको माना वो मन ने बनाया, वो रूप भी तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, किसका है वो? तुम्हारे मन का, वो असलियत नहीं है, लेकिन वो जो असलियत है वो सब में एक है, सब में एक है, सब में एक है। मैं शाम को गुरबाणी सुनता हूँ, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हरिमंदर साहब से शब्द कीर्तन भी आता है, वाक भी आता है ना, अरदास भी होती है। एक दिन संत रविदास का एक दोहा आया, संत रविदास का दोहा,
वो कहते हैं कि मेरा राम दशरथ का बेटा नहीं है, मेरा बेटा मेरा राम दशरथ का बेटा नहीं है, मेरा राम घट घट में बैठा है। कौन समझे इस बात को, मेरा राम घट घट में बैठा है, वो सब में रमा हुआ है, इसलिए संतों ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। संतों का राम वो है जो सबसे न्यारा है, वो उसको नहीं पूछते जो दुनिया पैदा करता है, वो किसी को ऐसे को नहीं मानते जो मर जीवन ले जन्म लेता है और मर जाता है, उसको भी नहीं पूछते क्या कहा मैंने। इसलिए अपना इष्ट उसको रखो, लेकिन क्या है कि हमारा मन कमज़ोर है, सबका मन एक जैसा नहीं हो सकता। हमें तो बाबा फकीर की कृपा हो गई, सिर पर हाथ रख दिया, बात जल्दी समझ में आ गई, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आएगी, आम आदमी के नहीं समझ आएगी। तो हजूर ने बताया कि उस अपने इष्ट का कोई रूप बना लो और उस रूप को ये समझो कि ये पैदा नहीं हुआ, ये मरेगा भी नहीं, ये हमेशा अजर और अमर है, तब उससे प्यार करो। मेरी बात को पकड़ लो क्या काम है, मन के स्थान पर तुम्हें रूप को मानना पड़ेगा। जब तक मन में हो तुम रूप को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, तुम इच्छा को भी नहीं छोड़ सकते, वो रूप तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देगा। क्या कहा मैंने, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वो रूप अपने आप चले जाएगा और तुम आगे चल जाओगे। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या कहा पढ़ो फिर यही, तेरे घट के भीतर वह मालिक बसा है, अंदर है कठमीन, ये घट है उल्टा घड़ा। आगे नमस्जिद नमंदिर नया आकाश में है, और आगे नहीं खाली उससे यह सारा जहां है, नहीं खाली उससे यह सारा जहां है, कहां देखता किसकी तलाश में है। वो कहते हैं कि ये सारे जहां में कोई जगह उसके बगैर खाली नहीं है, हर जगह वो है। क्या है वो हस्ती, वो हस्ती है, वो हस्ती क्या चेतन हस्ती है। वृक्ष को हाथ लगाओ वृक्ष में भी वो है। मैं आपको एक अपनी बात बता, वृक्ष का मैं समझ लिया कि वृक्ष भी सुनता है, हर पौधा सुनता है। मेरे घर में एक दफ़ा दो आदमी आए, दो एक सरदार साहब आए, वो कहते जी मेरा बहुत बड़ा बाग है, इधर फिरोजपुर से आए। तो मैंने कहा सरदार जी मेरा ये आम का बूटा ये बड़ा, ये जो है ना ये तो बड़ा फल देता है, उसको फल वो लगता है, कोर तो लगता है लेकिन आम नहीं बनता। कहता बाबू जी तुम्हें गल दसदा मैं देखो फिर आम लग दे। मैं कह दसो, कहना तुसी गडासा ले लेना, तुसी गडासा गडासा जानते ना कट्टन वाला, और अम्बे दे कोल खड़े हो जाना और अपने बेटे को कहना ज्योति इधर आ, वो बुला यार तरखान मैं कट दौ, ये अम्ब नहीं लगते हैं, बढ़ देना है इसको पढ़ देना। चल बात आई चली गई, शर्मा जी कोर लगया उस अम्ब को, कोर लगा और इतना बड़ा अम्ब, इतना दूध देने वाला आया, कहना बाबू जी तुम पौधा कितों लिया, मैं क्या मैनू नहीं पता, एडा एडा पौधा। अब मकान बनाना पड़ा तो काटना पड़ा, मैं उसके पास खड़ा होया, मैं कहा भाई तुमने बड़ी सेवा की है, अब कहीं और चल जा। मैंने वो उसकी गुठली बच्चे को दे दी कि वहाँ लगा देना खेत में जाकर, पता नहीं उसने लगाई कि नहीं लगाई, मेरी बात समझ गए, उसने मेरी बात को सुना। क्या कहा मैंने, मुझे जवाब मिल गया। ऐसे जो हमारे ऋषि थे धनवंतरी ऋषि चरक ऋषि, वहाँ कोई लेबॉर्टरी थी उस वक्त, क्या कोई लेबॉर्टरी नहीं थी कि उनको काटो देखो ना, और वो उनके पास बैठ जाते थे, उनसे बात करते थे और उनको बात का जवाब मिल जाता था।
और इसकी कथा भी आपको सुना देता हूँ जो मुझे बुजुर्गों ने सुनाई हुई है। भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास में हैं, तो उनके यहाँ फोड़ा हुआ हुआ था राम जी के पीछे, पंडित नहीं बताते। पगडंडियाँ होती थी, सड़कें कहाँ थी, त्रेता युग की बात है, द्वापर द्वापर युग की, द्वापर पहले आया ना, तो वो जा रहे हैं पगडंडी पर, तो एक बूटी है वहाँ छोटी पौधा लगा है, वो कहती हे राम मुझे उखाड़ो और अपने इस जख्म के ऊपर लगा दो, इसका अंत आ गया है, ये फट जाएगा मेरे लगने से। तो राम जी खड़े हो गए, कहते बूटी जड़ी बूटी मैं तुम्हें क्यों तेरा जीवन खराब करूं, आपको उखाड़ूं, ये मालिक की मौज होगी तो आप पे ठीक हो जाएगा। वो चले गए, आगे चले गए, ये बुजुर्गों के मेरे दादा ने बात बताई हुई है। जब वो वापस आए सैर करके तो वहाँ उनको ठोकर लगी, राम जी को ठोकर, ठोकर जानते हैं ना, वो ऐसे गिरे बाल पीछे पीछे को गिर गए, उसके ऊपर गिरे, उस बूटी के ऊपर गिरे, बूटी उसको टच कर गई और थोड़ा फिस गए। मेरी बात समझ गए, इसका मतलब ये है कि जड़ी बूटियाँ भी बोलती हैं। मेरे बाबा फकीर जी महाराज बताते थे, एक लाजवंती है, लाजवंती मैंने देखा गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ बड़ा बगीचा है, वहाँ वो उसको शुई मुई कहते हैं, उसको मैंने हाथ लगाया वो इकट्ठी हो गई। वो लाजवंती, उनको लाज आती आदमी से बहुत ज़्यादा, वो एकदम इकट्ठी हो गई, मैं पीछे हट गया, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो गई। हर पक्षी हर चीज़, बाबा फकीर जी ने कहा बेटा इस दृष्टि में को इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कुदरत ने बेर मतलब पैदा किया है, हर चीज़ किसी ना किसी कारण से पैदा हुई है, इसलिए वो जो मालिक है हर जीव में है। कितना है, कितना है, क्या वो आदमी के बराबर है जो आदमी के अंदर है? नहीं, जितना तुम्हारे अंदर वो पूर्ण है वो पूर्ण बाकियों में नहीं है, इसलिए इंसान को पूर्ण कहा गया है। छोटा जीव जो उसमें उसका छोटा हिस्सा है, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है ना, कुम्हार बर्तन बनाता है, गिलास छोटा, गड़बी और, घड़ा बड़ा, बात समझ गया ना, और बर्तन बड़ा, जितना छोटी चीज़ उतना छोटा बर्तन बनता है, उतनी मिट्टी कम, ऐसे ही हर चीज़ को उसने बनाया है, हमें भी उसने बनाया और हम में वो डाला जिससे उसने काम लेना है। क्या कहा मैंने शर्मा जी, जिससे जैसा जैसा काम लेना है उसको वैसा वैसा बनाकर रख दिया उसने। माटी एक, गुरबाणी में माटी एक, अनेक भांति से साजी सर्जन हारे, अब आगे शब्द बहुत लंबा है, बात समझ गए। तो कहाँ जाना है, ए बंदे तू कहीं मत भटक, भटकते वो फिरते हैं जो पिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, ये कबीर साहब ने कहा है। हमें तो भटकना ही खत्म कर दिया, हमें तो दुनिया से भी उपराम हो गया, क्या है दुनिया, ख्वाब है, क्या है दुनिया, ख्वाब है, ख्वाब है जाते फकीर, दाता दयाल ने लिखा है, मेरे दाता के लिए लिखा उन्होंने, हमें समझ लग गया कि ख्वाब को एंजॉय करो। खाओ ख्वाब को, ख्वाब हमारे बस में नहीं है, ख्वाब जो हमें सपना आता है हमारे बस में है क्या, लेकिन तुम उसमें खुश भी होते हो, तुम्हें दुख भी होता है, तुम अच्छा खाते भी हो तो उसमें आनंद लेते हो, तो क्या दुनिया में आनंद नहीं लो, आनंद लो ठीक है, मगर भूल जाओ, आगे चलो। लगा बंद तीनों सूरत को चढ़ाओ, लगा बंद तीनों सूरत को चढ़ाओ, अनाज की धुन घटके आकाश में है। अब उन्होंने तरीका बता दिया, दाता दयाल ने तरीका भी बता दिया, क्या करना है, लगा बंद तीनों और सुरत को चढ़ाओ, तीनों बंद क्या है, आँख बंद, कान बंद, मुंह बंद। अब इसको कैसे बंद करोगे,
करोगे कैसे बंद, ऐसे बैठ के करोगे तुम गिर जाओगे, बात समझ गए, तुम्हारा हाथ ही खिल जाएगा। इसके लिए है बैठने की एक साधन बताया संतों ने, बाबा फकीर जी ने, उसको कहते हैं कुक्कड़ आसन। कुक्कड़, कुक्कड़ को देखा खड़े को, दोनों पाँव के बल बैठ जाओ। आज आपको तरीका बता चला हूँ, दोनों पाँव के बल बैठ कर ये घुटने यहाँ रखो, जब पाँव के बल बैठोगे तो घुटने यहाँ ये ऐसे और फिर यहाँ ऐसे, तब बात बनेगी। बाहर की आवाज़ बंद, मुंह बंद, कान बंद, फिर क्या सुनोगे अंदर, फिर तुम्हारा ध्यान लगेगा अंदर, तुरंत को फिर चलाओगे, तुम विड्रॉ करोगे नाम के सिमरन से पहले, विड्रॉ करोगे नाम चलेगा तुम्हारे साथ। जितना तुम्हारा जज्बा होगा, जितना तुम्हारा इश्क होगा, जितना तुम अपने आप को देखना चाहते हो, उतना ही तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा। क्या काम है, और ये होगा कब, जब गुरु को साथ रखोगे, ये याद रखना। कहीं अहम में ना आ जाना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो तो तुम नहीं कुछ भी कर सकते ना, ये मेरा तजुर्बा है, तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल बैठ जाओ उसको याद करके, उसकी याद में तड़प पैदा कर लो। तुम्हारे अंदर जितनी तड़प होगी उतना ही तुम्हारा शीर सुन्न हो जाएगा, जितनी तड़प होगी उतने मन शांत हो जाएगा, जैसे ही मन शांत हुआ तुम आगे निकल जाओगे। क्या कहा मैंने, ये सारा चक्कर तो शरीर और मन का है, जैसे आगे जाओगे तुम वहाँ पहुँच जाओगे, उसकी सीमा मन से आगे है, जब तक मन है वो नहीं है, मन है तो तुम हो, जब मन नहीं है तो तुम नहीं हो, एक ही चीज़ रहेगी, या वो या तुम्हारा मन, दो नहीं रह सकते। बड़ा गली बहुत संकरी है, आगे चलो। गंगा के जल से नहीं होगी तृप्ति, गंगा के जल से नहीं होगी तृप्ति, चलो घाट मन के जो तू प्यास में है। गंगा जल कहते हैं, तुम जाओ गंगा, वहां अगर अपनी प्यास, कौन सी अंदर की प्यास पूरी करना चाहोगे वो नहीं होगी, फिर पढ़ो यही लाइन। गंगा के जल से नहाने से तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। वो क्या है कि श्री संत ने जहाँ तक भी कह दिया, गए थे वहाँ, वहाँ से और पाप लेकर आ गए। क्या कहा, और बाकी वहाँ जाता भी कौन है, सीधी बात बताता हूँ, एक एक परंपरा चल पड़ी है, एक रिवाज हो गया है, वहाँ जाना है स्नान करना है। महाराज क्या, क्या नाम है, क्या नाम था उनका, शिव जी की पत्नी क्या नाम था, पार्वती, पार्वती कहती महाराज बड़ा कुंभ लगा है, चलो देखने चले, इतनी दुनिया स्नान कर रही है, तो वहाँ चले गए। बड़ा खुश पार्वती कहती, सब तर गए, सब तर गए, सब तर गए, ना देखो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, अब तुम्हारा भी कहते ओम शिव, ओम शिव शिव शंभु, शिव शिव शंभु, तुम्हारा भी नाम जप रहे हैं। कहते पार्वती तू नहीं समझ सकती, कुछ भी नहीं है। कहती नहीं महाराज, देखो तो लाखों लोग नहा रहे हैं, हैं कैसे कुछ नहीं हो सकता, तजुर्बा करना। फिर ये कथा है शास्त्रों की, कथा असलियत है। कहते मैं ऐसा करता हूँ, फिर तेरे में शक्ति है, तू अपना रूप सुंदर रूप बना ला, नौजवान बन जा, मैं बूढ़ा होकर मर जाता हूँ, मैं बूढ़ा होकर मर जाता हूँ, और तूने रोना शुरू कर देना। शर्मा जी ये सच्ची कथा है, तूने रोना पीटना शुरू कर देना, लोग तेरे पास आएंगे तो तूने उनको एक शर्त लगा देना कि मेरे पति को केवल वो हाथ लगाएगा जो गंगा का स्नान करके आया, जो सारे पाप गंगा को लेकर आ गया, वो लगाए हाथ, दूसरा नहीं दे सकता। अब लोग के आते, नौजवान आते, वाह
वो मर गया जला देते हैं, चल तू साढ़े नाल चल, दुनिया है ना, कौन जाने उनको कौन है कौन नहीं है। वो रो रही कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी के चल माता हम नहा के आ गए हमारे पाप धुल गए। किसका मन अंदर से माने ही नहीं, मन तो तब मानेगा जब मन वहाँ था नहीं, आत्मा रूप से नहा रहे आदमी। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही भीतर नहावे, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत से जन्म ना आवे, ये भी गुरबाणी है। वो नहीं आएगा जो अंदर से नहाता है। तो एक नौजवान आया, अभी नहाया नहीं, वो कहती माता तू क्यों रो रही है। कहती बेटा क्या बताऊं, कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, ये सब नहा नहा के जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बताते कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम नहा के आए हैं गंगा मैया को दे आए हैं। क्या अच्छा माता ठहर ठहर मैं आता हूँ। गया, दौड़ा गया, जाके गंगा में छाल मारी, नहा लिया और सारा जो कुछ था वहाँ उसको तन से मन से दे दिया, अब वापस आ गया। कहता माता मैंने अब कोई कर्म बुरा नहीं किया, मैं जितने मेरे कर्म थे गंगा जी को दे आया। मेरी बात समझिए, तब शिव जी महाराज उठ के बैठ गए। कहता करोड़ों में कितने आदमी निकले, एक निकला और वो भी तेरे कहने पर निकला। बात बड़ी समझ गए, कुछ नहीं है, कहीं भी चल जाओ तुम्हारे नलके का जो पानी है अगर उसको गंगा जल समझ के तुम नहाओगे तो भी तुम तर जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पानी में इतनी ताकत है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे तर महदूर, करनी आपो अपनी की नेड़े की दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक से वो कुजले के तिश वो कईयों नाल भी ले जाते हैं। क्या कहा मैंने, तुम्हारा कर्म जाएगा तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने कहा ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, वो नाराज नहीं होने वाला क्योंकि तू उसका बेटा है, वो क्यों नाराज होगा। पर अपना कर्म ठीक कर ले, तुम्हें कर्म ने तुम्हारी वासना ने तुम्हारी इच्छा ने तुम्हारी अटैचमेंट ने तुम्हें यहाँ खींच कर रखना है, उसको पहले अपनी शुद्ध कर लो। केवल एक ख्वाहिश रखो कि मैं उससे उसका हूँ और वो मेरा है और मेरा कोई नहीं है। क्या कहा मैंने, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा है। हम उसके नहीं होते, हम देवी के हो गए, देवता के हो गए, ये हो गए वो हो गए, और हमें बेवकूफ बनाने वाले की कोई कमी नहीं है। एक आदमी ले लो, दस का आदमी अपने चेले बना लो, उन्होंने कहो पे तो दो दो हज़ार या दस दस हज़ार में महीना दूंगा, मेरा प्रोपेगंडा करो, बाबा बहुत शक्ति वाला ले, इतने जगह नहीं लभनी लोगों को, क्या काम है। लेकिन बाबा फकीर ने ये काम नहीं किया, नहीं किया, ये धोखा है, ये पखंड है, ये झूठ है, इससे मैं भी फंसूंगा और तुम्हारे को भी मैं लूट कर ले जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ऐसा कहते थे। क्या कहा मैंने, मैं क्या कहूँ अपने आप, मैं बहुत बार अशोक ने एक शब्द गाया, मेरा सतगुरु ऊंचा मैं नीचा, मेरा सतगुरु ऊंचा। मुझे वो सीन याद आता है 1962 का, मुझे वो सीन याद आता है शर्मा जी 1962 का, जब मैं एमए में फाइनल में पढ़ता था तो सर महेंद्र सिंह का ये उत्तरी दरवाज़ा इसके ऊपर एक कमरा था, वहाँ मैं रहता था। और क्योंकि वहाँ गर्मी बड़ी होती थी तो मैं दिन को अपनी किताबें उठाता था, कापियाँ ले पेन उठाया, एक टॉवल रख लिया, तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर आगे आगे चल जाना और वहाँ एक कुआं था उस पर चाली हाँ उत्थे बैठ के सारा दिन पढ़ते रहना और शाम को आना वापस। तो एक दिन मैं आया शनिवार का दिन, तो बाहर अंदर की तरफ बाहर आज सफेद चादर लाई हुई है, गोपाल ने हुक्का रखा हुआ है और महाराज जी अकेले बैठे हुक्का पी रहे हैं। मैं दूरों देख के बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा लो आज तो मेरे पिताजी बाहर बैठे हैं, आज बैठ के बात करेंगे। वैसे मैं हर रोज़ दर्शन करता था खिड़की से, जब वो काम पर जाते थे
यहाँ थैला डाला होता था उन्होंने, सिर पर हैट होता था, रिक्शा आता था, या उस वक्त रिक्शा नहीं था, उस वक्त साइकिल पर जाते थे, साइकिल पर जाते थे वो क्या नाम है कमेटी बाजार, वहाँ मैं वहाँ भी गया, बहुत बार गया महाराज के दर्शन करने के लिए, जब दिल करता था दौड़ जाता था, बच्चा था ना। मैंने किताबें रखी और तौलिया नीचे बिछाया महाराज जी के पास नीचे, फिर मैं जहाँ बैठ के महाराज से बात करूँ, कहते नहीं बेटा नीचे नहीं बैठना, यहाँ बैठो मेरे पास बैठो, मेरे को चार पाई पर बैठा लिया। एक घंटा हमारी वो बातचीत हुई, मेरे पास अगर रिकॉर्ड होता तो मैं रिकॉर्ड करता, मुझे सारा भेद बता दिया, बात समझे। दूसरे दिन जेठा एतवार मास्टर मोहनलाल के घर, तब 62 की बात है, ये मंदिर की जमीन अभी खरीदनी थी, बैठ गए महाराज जी बैठे, मैं नीचे बैठ गया, संगत आके, बस इतनी की संगत होती थी वहाँ, खुला था, थोड़ी जगह खुली थी, एक शाम में आना लगा होता था, तख्त पुष्प पर महाराज जी बैठे, सत्संग शुरू होने लगा, तो कहते बेटा उठ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेटा उठ यहाँ बैठ, मुझे अपने बराबर बैठा लिया, बात समझ गए, ये अशोक ने कहा है। मुझे वो सारा सीन याद आ गया कि वो इतना मेहरबान मेरा दाता, वो शहनशाह आलम जो प्यार का सागर थे, दया से भरपूर थे, उन्होंने ये नहीं पूछा कभी कि बच्चा तू कहाँ से आता है, तेरा नाम क्या है, कभी नहीं पूछा था, लेकिन प्यार से मुझे जफ़ी डाल दी उन्होंने, और मैं अपनी किताब में लिखा है जो उन्होंने कहा है, बात समझ गए। संत वो होता है जिसकी दृष्टि में कोई नीच ऊंच नहीं होता, और संत मत में नीच ऊंच है ही नहीं। क्या कहा मैंने, ये तो पखंड बना दिया लोगों ने, ये क्या कहूँ, जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने पखंड बना दिया, एक पिता एक इसके हम बालक डा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने कहा है, कहाँ फर्क है, माँ के गर्भ से सभी पैदा हुए, और बताया क्या, उल्टा 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 बेवकूफ बना दिया लोगों को। क्या कहा मैंने, मैं उस सतपुरुष के चरणों की धूल हूँ जिसने मुझे अपने गले से लगाया हुआ है, जिन्होंने मेरे को अपने बराबर बैठाकर मेरे सिर को हाथ नहीं रखा बल्कि जफ्फी डाल ली थी, और 1980 में कह दिया मुझे इसी कमरे में, बेटा मैंने तुम्हें हकीकत सच्चाई और असलियत बता दी है, अब जो कर्म में करना उसको बगैर अपनी नीयत को साफ करके करना, बस बात पकड़ ली हुई है, बात समझ गए। चलो 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 महापुरुष की वाणी पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें मांगने की जरूरत ही क्या है, मैंने कुछ नहीं मांगा अपने दाता से, सच्ची कहता हूँ शर्मा जी, बहुत गरीबी थी लेकिन कभी नहीं बताया पिताजी को, महाराज मैं बहुत गरीब घर से हूँ, कभी नहीं कहा कि आज मेरा एमए का एग्ज़ाम है महाराज जी मैंने आशीर्वाद दे, वो सब कुछ जानते थे पहले दिन से, इसलिए गुरु से कभी कुछ ना मांगो, केवल एक इच्छा लेके जाओ कि मुझे अपने जैसा बना दे, बस। क्या कहा मैंने, केवल एक इच्छा, अगर वो सच्चा सतपुरुष है तो मैं अपने जैसा ही बना देगा। क्या कहा मुझे, कल मैं पढ़ रहा था दादा दयाल जी महाराज को पढ़ रहा था, बात याद आ गई किसी गुरु के पास कोई इंसान गया नामदान लेने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो उसको नाम दे दिया, कहते तू ध्यान किसका करेगा, कहते महाराज मैं तो किसी का ध्यान नहीं करता, बैल है मेरा एक, मैं तो उसी से काम लेता हूँ सारा, बैल से तो मेरे सामने तो बैल ही आएगा, कहते अच्छा तू बैल का ध्यान किया कर, अपने बैल का ध्यान करना और ये नाम जपना। जपता रहा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो वो कहीं अंदर बैठकर नाम जप रहा है,
तो गया नहीं महाराज जी के पास। तो वो कहते भाई तू आया नहीं, चलो मैं देखता हूँ, तो कमरा बंद है, आप समझ गए। तो कमरा खोल ले, कहते भाई बाहर आ, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। कहते महाराज जी कैसे आऊँ, मेरे सिर पर तो सींग हैं, मेरे सिर पर सींग हैं, दरवाजे में फंस जाएंगे। बात को पकड़ो, भृंगी के कीड़े ने भृंगी का ध्यान किया, वो भृंगी बनकर उड़ गई, जबकि वो उसका बच्चा नहीं था। ऐसे ही जिसका तुम ध्यान करोगे, क्या तुम वही नहीं बनोगे, बनोगे बनोगे बनोगे। क्या कहा मैंने, कहाँ भटकते फिरते हो, कहाँ मत्थे टेकते फिरते, एक जगह टेको बस काफी है। ये सिर हर जगह झुकने के लिए नहीं है। क्या कहा मैंने, इसको समझो। आगे पढ़ो। व्यापक हो राज राज में आकर समाया, वह व्यापक हो आकर राज राज में समाया, तेरी जान तन में तेरी सांस में है। कहा है तेरी रग रग में समाया है, तेरी जान में है, तेरी सांस में है। तो सांस लेने वाला कौन है, पूछो अपने आप को। दूर क्यों जाना, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने अंदर जो सांस लेने वाला उसको पहचानो, तुम्हारा मन सांस नहीं ले रहा, तुम्हारा मन सांस नहीं ले रहा। वो है यहाँ जनरेटर, वो चल रहा है, वो वहाँ आवाज़ आ रही है, उसके कारण हमारा दिल भी धड़क रहा है, हमारा दबज भी चल रही है, हमारा खून भी चल रहा है। जब वो बंद हो गया तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। जब मैं डॉक्टर अमित को ये बात कही, कहता पिताजी आपने तो बड़ी अजीब बात, मैं कहा अपने डॉक्टरों से पूछना कि सांस कैसे आता है, वो बताएं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब तक ये है सांस है, जब तक ये नहीं है तो सांस नहीं है। तुम कौन होते हो सांस लेने वाले। इसलिए शास्त्रों में ऋषियों ने क्या किया कि उस मशीन को रोका प्राणायाम से, प्राणायाम से रोक लेते हैं, एक मिनट में एक सांस, दो मिनट में भी एक सांस लेने वाले संत हैं जिनकी उम्र 150 साल से ऊपर है। लेकिन संत ये काम नहीं करते, संतों ने ये काम नहीं किया, वो मौज में रहे हैं। क्या कहा मैंने, वो मौज में रहे हैं। हमें नहीं ये काम करना कि हम सांस को रोकें। हाँ प्राणायाम करो, उससे शरीर ठीक रहता है, तंदुरुस्ती रहती है, नाड़ियाँ साफ हो जाती हैं, मन शुद्ध रहता है, करना चाहिए। मैं भी करता हूँ आधा घंटा सुबह, ठीक है। तो ये क्या कहा, तुम्हारे रग रग में है, हाथ लगा के देखो। परमदयाल जी महाराज यहाँ कहा करते थे कि डॉक्टर टूटी लगा के देख लेते हैं, टूटी टूटी कहते थे, स्टेथोस्कोप को महाराज टूटी कहते थे, कि डॉक्टर टूटी लगा के देते हैं कि जहाँ धड़कन कैसी है वहाँ पीछे धड़कन कैसी है। तो धड़कन किस चीज़ की है, उसकी है हरकत, उसकी हरकत है। मन मन बहुत चंचल है, मन में चिंता है, मन में फिक्र है, तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाएगी, तुम्हारे दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, तुम्हारी नब्ज की धड़कन बढ़ेगी, तब तुम बिल्कुल शांत हो, कोई चिंता नहीं है, बड़े आराम से दिल चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है। क्या कहा मैंने, करके देखो। और जो आदमी गुस्से में होता है फिर उसको देखो उसका हाल, उसके खून को दौरा पड़ा हुआ है, लाल हो गया खून, तो आप भी जलता है दूसरों को भी जलाता है, क्या फायदा ना। सबसे पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझो वो क्या है, बस कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपना ही ख्याल काम है, तुम्हारा अपना ही ख्याल क्रोध है, तुम्हारा अपना ही ख्याल मोह है, तुम्हारा अपना ही ख्याल अटैचमेंट है, और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा समझा, मन को जिधर मर्जी लगा लो,
ये तुम्हारा मित्र भी है, बहुत बड़ा मित्र है ये, और ये फिर अगर नीचे को आ गया तो तुम्हारा शत्रु भी है। जहाँ से नीचे मंदिर आएगा मन तो तुम्हारा शत्रु, यहाँ से ऊपर जाएगा तुम्हारा मन मित्र है, इसको मित्र बना लो। क्या कहा मैंने, आगे चलो। भरम में पड़ा तू किधर ढूंढता है, भरम में पड़ा तू किधर ढूंढता है, गुरु तेरे अंतर में परकाश में है। कहते तू भरम में पड़ गया, वो तो तेरे अंदर है प्रकाश, तेरे ज्योति जलाने की लोड़ है। और सनातन धर्म का गायत्री मंत्र क्या कहता है, यही तो कहता है कि शरीर मन और आत्मा के एहसासों से आगे निकलो, तुम्हारे अंदर प्रकाश, सूरज का प्रकाश है, उसको अपने को जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ, यही तो लिखा सनातन धर्म में। और गुरु मत में कोई फर्क नहीं है, सनातन धर्म में राधा सब मत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में बाहर मुखी हो गए, दिया जला लिया बारी, आरती कर ली बारी, अंदर ही घंटा बज रहा है। वो मैं आरती सुनता हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की, गुरु नानक साहब की आरती, संत रविदास महाराज की आरती, कबीर की आरती, तन्ने भक्त की आरती, रामानंद की आरती, शारदी है ना आरतियाँ, सब ने उसी का गुण गाया। वो कहते दीवे में भी तू ही है, बाती में भी तू ही है, तेल में भी तू ही है, सब वही तो है, किसकी आरती करें। ब्रह्मांड में आरती हो रही है, गुरु नानक ने कहा है ब्रह्मांड में आरती हो रही है, हर वक्त हो रही है, और वृक्षों का खुशबू है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। कहीं नाम है और कहीं बेनिशान है, कहीं नाम है और कहीं बेनिशान है, हमारे ही मन के वहाँ विश्वास में है। कहीं वो नजर भी आता है, किसमें, छोटे से जीव में देखो, छोटे से छोटे जीव में वो है, और कहीं नहीं है, कोई जीव भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ है। क्या कहा, वहाँ फिर भी वो है, लेकिन हमें देखने की नजर नहीं है। और फिर क्या है आगे, क्या कहीं नाम है और कहीं बेनिशान है, हमारे ही मन के वहाँ विश्वास में है। ये है बात असली, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करना ही है सब कुछ। विश्वास कर लिया तो तुम्हें हर जीव में वही नजर आएगा, तुम्हारा विश्वास नहीं है तो फिर नहीं नजर आएगा। विश्वासम फलदायकम, तन्ने पर तन्ने पत्थर में निकाल लिया, चल आ जाओ, मैं रोटी नहीं खानी, मर जाना, आगे आया। जब जाने लगा कहता अब जाना नहीं, मैं कल आया, खेत भी बाने ये भी करना, जैसे लिखा हुआ है, ऐसी कथा है, उन जान ही नहीं देता, उन मेरे नाल ही चल, बांध लेता भक्त भगवान को बांध लेता है, हालांकि वो उसका अपना मन था, वो उसका अपना ही मन था। संत मत इससे अगली बात करते हैं, तुम विश्वास ये करो कि वो प्रकाश रूप में और शब्द रूप में मेरे तन के हर अंग अंग में है, ये मान लो बस। इसकी सफाई करो अंदर से, किससे, नाम से, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, अपना प्रभ सिमरो, जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसको याद करो, उसकी खोज करो, वो तुम्हें, जब खोज में लग जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। बात सिर्फ खोज की है, जितना तुम्हारा प्यार होगा उससे उतना ही वो तुम्हारे नजदीक आता जाएगा। क्या कहा मैंने, आगे चलो। राधा स्वामी ने भेद अपना बताया, अब राधा स्वामी ने अपना सारा भेद बता दिया कि बैठना कैसे है, तीन बंद कैसे लगाने हैं, और वो आवाज कहाँ है,
मुक्त वाला सांस क्यों आता है? कोई कसर छोड़ी? कोई कसर नहीं छोड़ी राधा स्वामी ने, तुमने पकड़ना है, पकड़ लो। और ये नहीं कि मंदिर के बाहर गए तो सब कुछ भूल गए, सुबह शाम इसी बात को रिपीट करो, इसी बात को बार बार सोचो, इसी बात का चिंतन करो, तुम धीरे 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 ठहराव में आ जाओगे। मैं जब कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर दाता की वो वाणी पढ़ता हूँ जो उन्होंने लिखित में मुझे दी हुई है। बात समझ गए? मन है ना, ये मन कमज़ोर हो जाता है, ये हर वक्त ताकतवर नहीं रहता। तो मैं सिर्फ वो सामने तेरे देख देख के की देता है, तेन बस ताकत मिल जाती है, उनके वाणी में ताकत है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मन, संत का वचन कभी पलटता नहीं है। क्या कहा मैंने, उसको इंटरप्रेट गलत नहीं करना कभी भी। क्या कहा, अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट नहीं करना। आगे चलो। राधा स्वामी ने भेद अपना बताया, उसे मिलने की युक्ति अभ्यास में है। देखो कहाँ है, अभ्यास में। किसकी आस? अभी आस। किसकी आस करनी? अभी आस। जो दो शब्दों से बना, अभी आस। अभी आस किसकी करनी है? बैठ गए तो अभी आस की इसी दुनिया की करूँ? जब उसके लिए बैठ गया तो किसकी आस करूं? अभी अभी उसको मिलने की आस करनी है बस, और कोई आस नहीं। फिर देखो क्या अनंत आता है। यही मेरे बाबा फकीर जी कहा करते, अभी आस का मतलब क्या है? अभी आस यही है कि तुम्हें मिलना है, मेरी और कोई आस ही नहीं है, मेरी और कोई डिमांड ही नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें मिलना चाहता हूँ। यही तो 6 साल से मेरी डिमांड थी, 6 साल की उम्र से, कि गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। 12 साल लगे गुरु मिलने में, और ऐसे गुरु मिले जो मेरे लिए वो परम तत्व का स्वरूप, माल के कुल का रूप, राधा स्वामी दयाल स्वयं मेरे को सब कुछ उन्होंने कल्याण कर दिया। उनकी कृपा से मैं बाहर जा रहा हूँ, वरना मेरे जैसे लोग कई यहाँ घूम रहे हैं। क्या कहा मैंने शर्मा जी, ये सब उनकी दया है, और उनकी दया से उनकी वाणी लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूँ। मैं कोई मत्थे टिकाने नहीं जा रहा, आपको बता देता हूँ। लोग पैसे देते हैं, मैं जैसे भी जाता हूँ, महाराज इसको भी लिफाफे में डाल दे, अपना एड्रेस लिख दे, ऊपरों बंद कर दे, लाकर चंद राम को बुला लेना, इनको बुला लेना, लोभी खोल के दे दो पैसे देते निकले। क्या कहा मैं, लेकिन कुछ ऐसे मेरे प्रेमी हैं जो मुझे कहते हैं महाराज जी ये आपके लिए है, चाहे $10 है, चाहे कुछ भी है, ये केवल आपके लिए है, ये लिफाफा दे दिया मंदिर के लिए। मैं कहता हूँ मैंने क्या करना है, मुझे तो मंदिर ने पैसे दे दिए, $250 मेरी जेब में है, $125 अमेरिका के लिए, $125 के लिए डाक लिए, क्योंकि जहाज़ में कुछ चाय पानी लेना पड़ जाए, वहाँ के जहाज़ जो लोकल चलते हैं, चाहे वो 5 घंटे की फ्लाइट है चाहे 6, वो शर्मा जी पानी भी नहीं देते, पानी भी पैसा, चाय पैसा, और डबल पता नहीं कप एक कॉफ़ी का जो चाय का $5 में मिलता है। महंगा है, लंबा सफ़र, उसमें तो सब कुछ मिलेगा। जैसे ही दिल्ली से बैठ जाऊँगा, चाय भी आती रहेगी, खाने के लिए भी आता रहेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब छोटा सफ़र होता है वहाँ कुछ नहीं मिलता। मैंने आज शर्मा जी के बात से थोड़ा प्रेरित होकर बहुत कुछ कह दिया आपको, मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो भी तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज तो दाता का ख्याल आप तक पहुँचाना है, उनकी वाणी तुम्हारे तक पहुँचाना है, उनकी शिक्षा तुम पर पहुँचाना है। लेकिन इस पर तब चल सकोगे जब तुम्हारे घर में प्रेम है, जब खाने को इज्जत की रोटी है। क्या कहा, घर में झगड़ा है, काम कोई है नहीं, खाने के लाले पड़े हुए हैं कि शाम को रोटी कहाँ से लेनी, फिर नहीं होगा। पहले समर्थ बनो,
अपने पैरों पर खड़े हो, मेहनत करो, जो भी काम करते हो, कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता। उसने हमें कर्म करने के लिए कर्म ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, हमें पांच ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, बुद्धि दी है। दुनिया में मन और बुद्धि का प्रयोग करो, डट कर करो, और जो चाहोगे तुम्हें मिलता जाएगा, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। और जब समर्थ हो जाओ, कोई चिंता नहीं, फिर बैठोगे ध्यान एक दम लग जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, सुखी रहो। आप लोगों की शुभकामना लेकर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप सब मेरे बाबा की एक रूप है। आपकी शुभकामना लेकर जा रहा हूँ। शुभ मैं जो करके आऊँ और संगत खुश हो जाए, बस यही मेरा ख्याल है। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, बड़ा प्यार, और राधा स्वामी शर्मा जी को दे दो।